नमस्कार, खबर हरपल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह। कुश्ती में दूसरा स्थान लाए तो हमको तो इस चीज़ का आश्चर्य हो रहा है कि एक सत्ताधारी दल का नेता भी हमें साथ साथ ये दूसरा स्थान लाया, पूर्णिया के नाम को रोशन किया। आज तक पूर्णिया के कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद जी हो या विधायक जी हो या DM हो या SDM हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या अंचलाधिकारी हो, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी, आज तक हमको तो लग रहा है कि सो गए हैं या क्या हुआ है, ये हमारे समझ से बाहर की बात है। अभी तक में तो इसको पुरस्कृत करना चाहिए, इनको इनके हौसला को बुलंद करना चाहिए, इन लोगों को आकर के इनको इनाम देना चाहिए, माला पहनाना चाहिए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो सोए हुए हैं, इससे हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जो भी प्रशिक्षण जो है ना, खुद मेरे पिताजी ही हमको ये बताते थे कि जो भी मिट्टी पे जो भी होता था, मेरे पिताजी ही सिखाते थे हमको। जो भी दौ जो है पिताजी सिखाते थे। 11 किताब लिखे हैं संस्कृत में, भारतवर्षम लिखे हैं संस्कृत में, लिखे हैं आप किताब, वाह। और हिंदी में भी लिखे कई किताब हम। अगर इसको अच्छी प्रैक्टिस, इसको अच्छी कोचिंग में दिया जाए तो हमारा बेटा नेशनल के लिए काबिल है, और हम उम्मीद रखते हैं कि देश का नाम ये रोशन करेंगे। हमारे ख़ानदान से इस देश को आज़ादी करने में भी खून बहा है, और हम लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस देश में जो मेरा बच्चा हो मेरे घर का, वो उस देश के नाम को रोशन करे। इन परिवारों में इतना इच्छुक पहलवान का है, इतना इच्छुक आगे बढ़ने का है, इल्मी तौर से भी और पहलवानी तौर से भी। इनके परिवार में भी अभी जो मैंने देखा 1992 ईस्वी से अभी तक देखते आ रहा हूँ, इनके परिवार के इतना मेरे पंचायत में किसी के पास इल्म ही नहीं है। आज मैं पूर्णिया जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर और धमधा अनुमंडल से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर नीरपुर गांव आए हुए हूँ। इस गांव में आने के लिए सभी सड़कें बनी हुई है, बिजली है, पानी की सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन आज भी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित है ये नीरपुर गांव। आज हम यहाँ ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं आपको, जो पूर्णिया ही नहीं बिहार का नाम गौरवान्वित किया है, और हम उसे गुदरी का लाल भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने के बावजूद उन्होंने बिहार राज्य स्तरीय कुश्ती संघ प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, और उस युवा का नाम है मोहम्मद अबरार। अपने शुरुआत से लेकर, अपने बचपन से लेकर कुश्ती प्रतियोगिता के इस दौर तक में, इस सफर में उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया, कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आई, ये मैं आज जानने के लिए नीरपुर गांव आया हूं, और आपको पहले मिलवाता हूं, उसके बाद और सारी बातें आपसे करूंगा मैं। अबरार जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप नीरपुर में जन्म लिए, उसके बाद आप बिहार राज्य कुश्ती संघ का जो प्रतियोगिता आयोजित हुआ औरंगाबाद में, ये 12 जनवरी को आयोजित हुई थी, उसमें 11-12 को, उसमें आपने कांस्य पदक जीता। आपको यहाँ तक के सफ़र में कौन कौन सी मुश्किलें आई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि जो भी काम आदमी करते हैं उसमें बहुत तकलीफ तो होते ही हैं, मैं भी इन तकलीफों में काफ़ी असुविधाजनक महसूस भी किया, क्योंकि मिट्टी में खेलना और बगैर किसी के सहायता से जो अपने खाने पीने का जो प्रॉब्लम होते हैं, उस चीज़ को देखते हुए भी मैंने प्रैक्टिस भी किया। हमारे पिताजी भी इस चीज़ का सहयोग देते रहे, हमारे परिवार भी, भाई लोग भी इस चीज़ को मतलब सपोर्ट करते रहे, और इस तकलीफ़ों से हम खेलने के बावजूद सोचे कि जब यहाँ खेल रहे हैं तो गांव घर में जो एक सालाना होता है, जो मेला होता है, उस सब में आयोजन में हम कुश्ती में जाने लगे, तो वहाँ पे अच्छा जो प्राइज मिलता रहा, और वहाँ से कभी फर्स्ट होते तो कभी सेकंड होकर के भी रहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमको पता भी चला कि अगर हम गांव घर में खेल सकते हैं तो हम आगे भी खेल सकते हैं। तो हमने यहीं से आपको प्रेरणा मिली जी कि हमको ये खेल खेलना चाहिए। तो हम आगे खेलने के लिए पूरा मतलब अग्रसित हुए, तो पता चला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है, तो हमको भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से पता चला कि ये राज्य स्तरीय कुश्ती संघ का ये प्रतियोगिता हो रहा है,
तो वहाँ जाके हमको खेलना चाहिए। तो हम अपने गार्जियन से भी सलाह लिए कि ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लड़के थे, क्योंकि जो सुविधा जिला में था तो सुविधा मौजूद नहीं था, कोई अध्यक्ष भी नहीं थे, कोई सचिव भी नहीं थे कुश्ती से। तो हम वहाँ से अपने जिला में कुश्ती संघ का ये अध्यक्ष सचिव या कोई कमेटी नहीं है जी, कोई कमेटी नहीं है, तो खुद अपना पैसा लगा के हम औरंगाबाद जो है पटना, यहाँ से अपने से घर से औरंगाबाद या पटना पहुँचे, उसके बाद औरंगाबाद पहुँचे, वहाँ पर हमारी कुश्ती हुई, हम कुश्ती में वहाँ खेले। और मेरा लक्ष्य तो था गोल्ड मेडल का, और गोल्ड मेडल हम जीतने ही वाले थे, लेकिन कुछ रेफरियों के गलत निर्णय के कारण हम जो है क्या हुआ था, तो वहाँ हुआ था क्या कि हम पहली कुश्ती जीत गए, सेमीफाइनल में पहुँचे। अगर वह फाइनल सेमीफाइनल मैच जीत जाते तो हम फाइनल में पहुँचते, लेकिन जो पॉइंट हमको मिलना चाहिए वो पॉइंट हमको ना देकर विपक्षी पार्टी को दिया गया, जो कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को जी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को दिया गया, जिस कारण से हम तो मैच खेलने के ही ये इसमें थे, हमारे साथ और भी खिलाड़ी कोई नहीं था, इस कारण से हमको वहाँ का जो निर्णायक जो है ना वो गलत निर्णय देकर के हमको सेमीफाइनल राउंड से बाहर कर दिया। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शुरुआत से अब तक ये कांस्य पदक के सफर तक आपको सरकार या जिला प्रशासन से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली जी, कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। आप देख सकते हैं कि ये गांव कितना उत्सुक है कि इस गांव में बच्चे भी कुश्ती खेला करते हैं, और इस बच्चे का जोश देख के आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे कितने उत्सुक हैं अपने भविष्य को लेकर। और इनके मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि मोहम्मद इब्रार एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है, इनके दादाजी कारे मियाँ जो स्वतंत्रता सेनानी थे, परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे, और कारे मियाँ जी का नाम धमधा के स्मारक स्थल पर भी अंकित है, पूर्णिया में भी, पूर्णिया में जो स्मारक स्थल है वहाँ भी अंकित है। आप और उनके मोहम्मद इब्रार के पिताजी वो भी कुश्ती खेला करते थे, ऐसे परिवार को आज भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, आज भी कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है, जबकि सरकार कहती है कि हमने युवाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है। हकीकत में सरकार ने ऐसी योजनाएं लाई भी है, लेकिन उन योजनाओं से आज भी लोग वंचित हैं। कितना लाभ हुआ है सरकार की योजनाओं से और कौन कौन योजना लेते हैं, जरा हम आज ग्रामीण से भी बात करते हैं, वहाँ के नीरपुर के ग्रामीण से भी बात करते हैं। मत अब्दुल सत्तार जी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जनप्रतिनिधि के रूप में आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको अब तक सरकार से या जिला प्रशासन से या प्रखंड प्रशासन से आपने इसमें कोई पहल की? देखिए सर, शुरुआती जहां से हमारी दौर चली, जहां से हमने होश संभाले 1992 ईस्वी से, मैंने अपने मोहल्ला में भी देखे और नीरपुर पंचायत में मुस्लिम मोहल्ला में देखे कि ये जो हमारे अबरार साहब पहलवान जी बोले कि हम इतना इच्छुक रहे इस पहलवानी करने में, इस नीरपुर पंचायत को आगे बढ़ाने में, लेकिन उसका सपोर्ट हमको पंचायत से नहीं मिला, और ख़ास करके हमें पदाधिकारी प्रखंड पदाधिकारी से भी नहीं मिला, जिला पदाधिकारी से भी नहीं मिला। हकीकत ये हम लोग जब 1992 ईस्वी से देख रहे हैं तो ये मिला नहीं, वो बात सही है, लेकिन इन परिवारों में इतना इच्छुक पहलवान का है, इतना इच्छुक आगे बढ़ने का है, इल्मी तौर से भी और पहलवानी तौर से भी, इनके परिवार में भी अभी जो मैंने देखा 1992 ईस्वी से अभी तक देखते आ रहा हूँ, इनके परिवार के इतना मेरे पंचायत में किसी के पास इल्म ही नहीं है। इनके परिवार में बच्चा जो पढ़ने का शौक रखते हैं, इल्म रखने का शौक रखते हैं, खास करके और घर में इल्म है लेकिन इतना इल्म नहीं है जितना इल्म इनके परिवार के बच्चे को है। अब रही बात पहलवान की, पहलवान में भी इनके परिवार के जैसा पूरे पंचायत में नहीं है। अब तो जैसा ये मॉडल लाए जीत करके, तो हम तो उम्मीद करते हैं जिला में क्या पूरे बिहार में दूसरा स्थान लाए हैं, अब आगे क्या होगी, हम लोग दुआ करते हैं कि ये आगे बढ़ते रहे, और आप लोगों के सहायते से इनको पंचायत लेवल में भी हम लोग चाहते हैं कि इनको सहायता दें और इनको आगे बढ़ाएं। हम क्या कहते हैं प्रखंड पदाधिकारी से भी अपील करेंगे कि इनके बारे में कुछ सोचें इनको आगे बढ़ाने का, और खास करके अस्त्र शस्त्र जो मजबूत होती है इनका आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इनके परिवार में नहीं बल्कि पूरे पंचायत में भी ये शौक रखें इनके साथ साथ कि ये लोग जब पहलवान बनते हैं तो मेरे गाँव के भी कुछ व्यक्ति और पहलवान बनने का शौक रखें। उनके बाद इनके अब्बा जो है अभी प्रजेंट वकालत करते हैं, वकील साहब हैं,
और पीएचडी भी किए हुए हैं। ऐसे सब हस्ती को जो पीएचडी किए हुए हैं उनको जब सरकार नौकरी नहीं दे सकती है तो हमको तो यह असंभव है कि पहलवान अबरार जी को भी दे या नहीं दे। हम तो उम्मीद करते हैं कि वो दे दे तो अच्छी बात है। और उनके बाद जो है ये इस परिवार में क्या ये जो हफीजुर रहमान साहब हैं जो अबरार के वालिद साहब हैं ये वकालत कर करके भी अपने बाल बच्चों को पढ़ा करके भी अपने गांव में जो पहलवान का शौक नहीं था अपने परिवार में शौक रखता है लेकिन गांव वाले को जज्बात पैदा करने के लिए हमारे बरान फील्ड पर जहां ईदगाह जहां मेला लगता है मुहर्रम का जहां ईदगाह का फील्ड है जहां बिजली का कनेक्शन वहां है वहां भी ये पूरे बस्ती को जज्बात करने के लिए हर बिरादरी के लोगों को सारे बिरादरी के लोगों को समाज को बिरादर को हर तबके के लोगों को जज्बात पैदा करने के लिए हर युवक ऐसा इस फील्ड में आवे और अपना पहलवानी दिखावे पहलवान बने तो ये क्या किया कि अपने मुहर्रम के मौके पर मेला रख दिया जिसमें जो है लड़की और लड़का दोनों का पहलवानी वहाँ करवाया और बड़ी शौक से लोगों ने मेला देखा। ये इच्छुक वहाँ से इनके परिवार से अब इच्छुक है कि आगे बढ़ने का काम करें और हम लोग भी इनको सहायता देने काम करेंगे और आप लोग अपील कीजिए प्रखंड पदाधिकारी भी देते रहे अच्छी बात। जैसा कि अभी आपने सुना कि पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि उन्होंने कहा कि इनके पिताजी कुश्ती प्रतियोगिता भी कराते हैं वो ईदगाह पर और अब हम उनके पिताजी से कुछ बातचीत करना चाहेंगे कि उनको कितनी उपलब्धि मिली अपने जीवन में और वो अपने बच्चे को कितनी उपलब्धि दिला पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हफीजुर रहमान। देखिए हमको दो बेटा है और सदैव हम यही चाहे कि हमारा बेटा देश की सेवा के लिए काम करे देश हित में काम करे राष्ट्र हित में काम करे राष्ट्र का नाम रोशन करे। ये जज्बा हमारे दिल में तारा सिंह पहलवान को हमने पहलवानी देखा था हम खुद भी पहलवान थे आप भी पहलवान हम भी पहलवान थे बहुत प्रतियोगिता जीते भी हम जवाहर सिंह हमारे जोर के थे। अभी क्या करते हैं आप? अभी तो हम एडवोकेट हैं वकालत करते हैं और पढ़े भी हम किताब भी लिखे हैं। कौन सी किताब है? 11 किताब लिखे हैं संस्कृत में भारतवर्षम लिखे हैं संस्कृत में लिखे हैं और हिंदी में भी लिखे कई किताब हम फिर भी दिल में ये हुआ कि बेटा को हम कुछ आगे बढ़ावे। अर्थाभाव के कारण हम अच्छे स्कूल में नहीं दे पाए और अच्छे इंस्टीट्यूट में भी नहीं दे पाए ये हमारी अर्थ की कमी थी नहीं तो इसको अच्छा हम कोचिंग भी करवाते कोचिंग के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं था फिर भी गांव में ही खैरा मिट्टी में ही इसको हम प्रैक्टिस करवाए। हाँ दूर दूर से पहलवान को लाकर गोरखपुर से हरियाणा से पंजाब से राजस्थान से अपना पैसा दे करके जो भी कमाते थे बेटा में लगाते थे तो आज ये हुआ तो आज तो आपके पास बेटा आपका कांस पदक लेके आया आपके सामने तो फख्र से सीना हमारा ऊंचा हुआ कि हमारा बेटा हमारे जिला के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है जिला का नाम रोशन किया है तो इससे जो भी हमारी खर्चा अब आप सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला कलेक्टर से भी उम्मीद करते हैं कि जिला में एक मेरा बेटा है और ऐसे बेटा बहुत सारे हैं जो कि अभी खोए हुए हैं उनको आगे लाने का काम करें उनको सहयोग दें ताकि ये जो मिट्टी में जो खेल हो रही है तो आगे तो मेट पर खेल होता है तो मेट की सुविधा नहीं है और हमारा अर्थ इतना कमज़ोर है कि हम मेट उसको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं और सब चीज़ इसमें लगता है पहलवानी के काम में से बहुत से लोहा का सामान है बहुत से मुगदर सब है ये सब है तो छोटा मोटा इसको खरीद के दिए जो उपलब्ध इसको मतलब प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा नहीं है अगर इसको अच्छी प्रैक्टिस है इसको अच्छी कोचिंग में दिया जाए तो हमारा बेटा नेशनल के लिए काबिल है और हम उम्मीद रखते हैं कि देश का नाम ये रोशन करेंगे। अबरार जी आप अपने से बताएं कि ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराए सरकार और जिला प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधि जिससे आप अपने जिले का और नाम रोशन करें। क्योंकि देखिए यहाँ तो मिट्टी का है गाँव घर के लिए मिट्टी है और बाहर जैसे कि नेशनल हो या स्टेट लेवल हो या जिला स्तरीय कुश्ती होती है तो उसमें मेट की सुविधा होती है तो मेट की सुविधा के लिए सरकार से मैं चाहूँगा ये अपने प्रतिनिधि से अपने जिला से कि वो एक मेट की सुविधा दिया जाए और जो सुविधा कुश्ती की होती है एक प्रशिक्षण के लिए जो गुरु होते हैं वो भी रखा जाए जिससे कि अच्छा सुविधा से हम तैयारी करें तो आगे चल के हम और भी बेहतर कर सकते हैं। आपके गुरुजी कौन है? इतना प्रशिक्षण आपको कौन दिए? जो भी प्रशिक्षण जो है ना खुद मेरे पिताजी ही हमको ये बताते थे
कि जो भी मिट्टी पे जो भी होता था मेरे पिताजी ही सिखाते थे हमको, जो भी दौड़ जो है पिताजी सिखाते थे। और जो गांव में अगर सालाना कुश्ती का जो प्रतियोगिता होता था तो पिताजी बाहर से भी जो पहलवान आते थे वो भी हमारे पास रहते थे, तो 10 दिन वो 5 दिन लगकर के वो भी सिखाते थे। लेकिन जो भी आज मैं सिखा हूँ अपने पिता के बदौलत हूँ, कि जो भी आज यहाँ स्टेट में पहुँचा हूँ अपने पिता की बदौलत पहुँचा हूँ। आज मोहम्मद एबरार के पिता ने ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में माता पिता ही गुरु होते हैं पहला। और इस परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि कितना बच्चा उत्सुक है, कितना बच्चा उत्सुक है कुश्ती के लिए। और इतने प्रतिभावान व्यक्ति सब इस गांव में हैं, इस गांव में जन्म लिए और यहीं पर सिमट के रह गए हैं। और ऐसे में मोहम्मद इब्रार ने कांस्य पदक जीतकर पूर्णिया के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को ये दिखाया है कि आप हमें मदद करो, हम आपके लिए आपका नाम रोशन करेंगे। हम एक ही लड़का नहीं थे सर। आप पूर्णिया से कितने लड़के थे? हम लड़के देखिए सर, पूर्णिया से तो हमारे भाई लोग भी हैं जो भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि ये यही सीनियर हैं हमसे। अच्छा। ठीक है, जो भी अच्छे हमसे खेलते भी हैं, सीनियर भी हैं, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति ऐसा था कि सर वहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम सब भाई लोग जा सकते थे, क्योंकि 12-13 लड़के हैं, तो 2 सीनियर लड़के थे हम लोग में जो कि 7-8 लड़के के ग्रुप में जा सकते थे, 7-8 लड़के ग्रुप में हम लोग जा सकते थे, लेकिन पैसा उतना नहीं था कि जो कि हम लोग नहीं पहुँचे। खुद अकेला खर्चा बना, तो भाई भी मेरा बोला कि ऐसा करो कि अभी तुम अच्छा हो, बेहतर हो, इससे बढ़िया है कि जो भी पैसा हुआ हम लोग अपने एडजस्ट करके खुद हमको अकेले भेजे, तो हम खुद अकेले वहाँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से वहाँ लड़का पहुँचे। हाँ, ये आपका बड़ा भाई है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली हुआ। तो अभी तो आपके छोटे भाई ने बताया कि उन्होंने हमें काफ़ी मदद किया। अब इस परिस्थिति में इन्होंने एक कांस्य पदक आपको दिया लाकर, अब आगे क्या है उम्मीद, क्या मनसा रखते हैं कि आगे हमारा भाई कहां तक पहुंचे? देखिए, सबसे पहली बात, मेरा जो भाई है बहुत होनहार है, काबिल है, आगे क्या बहुत बड़ा नाम यह कर सकता है। अगर हम लोगों का जैसे हम लोग पिताजी हुए और चचा सब जो मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं, हम लोग तो सपोर्ट हम लोगों को करवे करते हैं, ठीक ना। और आगे हम लोग उम्मीद रखते हैं कि प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर जो भी प्रतिनिधि हैं, अगर हम लोगों का, हमारे भाई का सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और भी आगे बेहतर कर सकते हैं। आप भी कुश्ती खेलते थे? जी, हम भी खेलते हैं। कहाँ तक आप खेले? बस यही इसी अखाड़ा पर खेलते हैं, गांव ग्राम में, जैसे मेला वाला में जाते हैं हम लोग खेलते हैं। उसके बाद आगे तो फिर स्टेट लेवल के लिए भी जाते, जीत भी था, दिल में इच्छा भी था, लेकिन कुछ आर्थिक परिस्थिति के कारण हम लोग नहीं वहाँ पहुँच सके। जो भी आर्थिक व्यवस्था अभी हम लोगों का जो भी चलता है, जो जैसे कि हम लोग 8-10 लड़के मेहनत कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है जैसे पैसे की, जो खाने पीने की, हमारे चाचा भी हमको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सारे लड़कों का एक जगह का सुविधा हम लोगों को आ रही है, चाचा सबके योगदान से ही हम लोग जो भी हैं आज यहाँ हैं। मोहम्मद इब्रार के बड़े चाचा हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप क्या उम्मीद रखते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आप सत्ताधारी दल के नेता भी हैं, जी जी, तो इस नाते आप अपने भतीजे को कहाँ, किस मुकाम तक पहुँचाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जिस ख़ानदान से निस्बत रखते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी थे। पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि कारे मियाँ उर्फ दौलत मियाँ, जिसका धमदाहा और पूर्णिया में भी शहीद स्मारक में नाम लिखा हुआ है, हम लोग इस, हमारे ख़ानदान से इस देश को आज़ादी करने में भी खून बहा है। और हम लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस देश में जो मेरा बच्चा हो मेरे घर का, वो उस देश के नाम को रोशन करे। हम लोगों का मेन ख्वाहिश यही होती है कि इस देश के नाम को रोशन करे। अब रहा कि हमारे हमारा भतीजा जो है अबरार, ये जा कर के बिहार में दूसरा स्थान लाए, ठीक है, कुश्ती में दूसरा स्थान लाए, तो हमको तो इस चीज़ का आश्चर्य हो रहा है कि एक सत्ताधारी दल का नेता भी हमें, साथ साथ ये दूसरा स्थान लाया, पूर्णिया के नाम को रोशन किया। आज तक पूर्णिया के कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद जी हो या विधायक जी हो या DM हो या SDM हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या अंचलाधिकारी हो, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी, आज तक हमको तो लग रहा है कि सो गए हैं या क्या हुआ है, ये हमारे समझ से बाहर की बात है। अभी तक में तो इसको पुरस्कृत करना चाहिए, इनको, इनके
हौसला को बुलंद करना चाहिए, इन लोगों को आकर के इनको इनाम देना चाहिए, माला पहनाना चाहिए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो सोए हुए हैं, इससे हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम मांग करते हैं यहाँ के सांसद जी से, विधायक जी से, खास करके डीएम साहब से, अनुमंडल पदाधिकारी से, वीडियो साहब से, कि अभी तक आप लोग जो सोए हुए हैं, इससे होगा क्या? या पूर्णिया के ही नहीं, तमाम युवाओं के भविष्य को आप लोग खराब कर रहे हैं। अगर एक युवा के को आप अगर सम्मानित करते हैं नाम कमाने पर, तो हर एक युवा के दिल में ऐसा ख्वाहिश जगेगा पूर्णिया का, जो अब जज्बा होगा, जो ख्वाहिश होगा और जज्बा भी होगा कि वो इस पूर्णिया के नाम को रोशन करे। इसलिए हम यहाँ के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि वो इस चीज़ का खबर ले और इनको तमाम सुविधा उपलब्ध कराए। ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी उस गरीब घर में जन्म लिया, हालांकि उनके पिताजी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आज वकालत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो गरीब हैं, क्योंकि वो अपने सारा पैसा, अपनी सारी कमाई वो अपने बच्चों के परवरिश पर लगाया, उन्हें प्रशिक्षण देने में लगाया। आज वो इतने गरीब हैं कि अपने बच्चे को वो किराया देकर दूसरे जगह प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं भेज पाते हैं। इसलिए प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी, खासकर बिहार के खेल और पर्यटन मंत्री को। आपको याद दिला दूं मैं कि 2 वर्ष पहले बनमनखी के विधायक खेल मंत्री हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में भी, जैसा कि मोहम्मद इब्रार ने बताया कि अभी तक कुश्ती संघ का कोई समिति नहीं है पूर्णिया में, तो आप समझ सकते हैं कि पर्यटन विभाग में और खेल विभाग में कितना काम किया उन्होंने। उन ग्रामीणों का कहना है कि पर्यटन मंत्री इस पर ध्यान दे, खेल मंत्री इस पर ध्यान दे, ताकि बच्चे का भविष्य और सुनहरा हो और उज्जवल हो। खिलाड़ियों का क्या कहना है, ये आप सुनिए मोहम्मद इब्रार से। मैं कहना चाहूँगा कि खेल के विभाग से ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाए कि जो खेल के माध्यम से खेल को जानते हो, और उस आदमी को अगर बना दिया जाए वो खेल को जानता ही नहीं है, तो वो खेल के खिलाड़ी के दर्द को क्या बुझेगा वो। तो मैं चाहूँगा कि जो खेल विभाग से मतलब संबंध रखते हैं, उसी को ऐसा बनाया जाए कि जो खिलाड़ी के दर्द को बुझे, ताकि आगे आने वाले दिनों में फिर दूसरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हमने कहा आपको कि गुदरी का लाल, मैं गुदरी का लाल क्यों कहा, अब जरा आप इन सारे घरों को इर्द गिर्द आप देखिए, ये घर देख के आपको लगेगा कि यहाँ पर विकास की कोई भी निशानी नहीं है। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उससे पहले इंदिरा आवास योजना हो, ये सारी योजनाओं को धता बता रही है यहाँ के घर। और इसी घर में पला बढ़ा, जन्मा पला बढ़ा और कुश्ती सीखकर आज बिहार का नाम रोशन किया और वो परचम लहराया बिहार में जाकर, वैसे जगह पर जन्म लेकर। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये गुदरी के लाल हैं, और उसी गुदरी के लाल से आपको आज मैंने परिचय कराया, आपको मिलवाया। यहाँ के लोगों का और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी ये कहना है कि सरकार और जिला प्रशासन, इन सबों से कोई अभी तक सहयोग नहीं मिला है। तो मैं अपने खबर हरपल चैनल के माध्यम से भी आग्रह करूँगा कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और उन्हें और ऊंचा मुकाम पहुंचाए। इसी के साथ मैं अपने सहयोगी अब्बल बाबू के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।